पाठ आदि शंकराचार्य प्रथम शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य धन्येयं भारत भूमि धन्य है यह भारत भूमि यत्र साधु जनानां परित्राणाय जहाँ साधुओं की रक्षा के लिए साधु जनानां षष्ठे विभक्ति बहुवचन परित्राणाय परि उपसर्ग त्रय धातु हालांकि सारी यहाँ त्रय रक्षा करने में है वह धातु में भी होता है। यहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन है परित्राणाय में। धन्य है यह भारत भूमि जहाँ साधुओं की रक्षा के लिए दुष्कृतांश विनाश आए और दुष्टों के विनाश के लिए सृष्टि स्थिति लय करता सृजन पालन पोषण और विनाश करने वाले परमात्मा स्वयं एव कदाचित स्वयं ही कभी राम है राम कदाचित कृष्णस्य और कभी कृष्ण भूत्वा हो करके आविर्भव हो अवतार ले उत्पन्न हुए जन्म लिए भूधन अक्त्वा बराबर भूत्वा भूधात अक्त्वा प्रत्यय महाभारत में भी आप लोगों ने महाभारत की शुरुआत में आप लोगों ने श्लोक सुना होगा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे त्रेता युगे रामो धनुर्धृत्वा त्रेता युग में सप्तमी विभक्ति एक वचन है भगवान राम ने धनुर्धृत्वा धनुष धारण करके विपथगामिनां राक्षसां पथभ्रष्ट राक्षसों का संहार करके कृत्वा संहार करके पथभ्रष्ट कुमार्ग पर चलने वाले राक्षसों का संहार करके वर्णाश्रम व्यवस्था में रक्षक वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा की है। द्वापरे कृष्णो द्वापर में कृष्ण ने धर्म ध्वंसिन पुनरपतिन धर्म का विनाश करने वाले दुष्ट राजाओं को उत्पाट्य उखाड़ फेंक करके धर्मम अत्रायत धर्म की रक्षा की। पुनरपतिन
द्वितीया विभक्त बहुवचन विपत्ति सहसा स्थिति यदा कलव समुत्पन्ना जब वैसी स्थित जब कलयुग में उत्पन्न हुई बभू भू धातु नीट लकार जो आप लोगों के द्वारा संस्कृत में 10 लकार होते हैं जो लकार आपके पाठ्यक्रम हाई स्कूल स्तर तक निर्धारित नहीं है वह लकार उसमें लिट लकार है वह भू में जो जानना चाहिए तदा नील लोहित भगवान शिव तब नील रक्त वर्ण भगवान शंकर शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभू शंकर के रूप में पुनः प्रकट हुए भगवतः शंकरस्य जन्मकाले भगवान शंकर के जन्म के समय में वैदिक धर्म का ह्रासः पतन और अवैदिकस्य प्राबल्यं चासी और अवैदिक धर्म अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर था अशोकादि नृपति नाम राजबलम आश्रित अशोक आदि राजाओं के राजबल का आश्रय लेकर के आ उपसर्ग श्रीधात प्रत्यय पंडित मन्याह दूसरे विद्वान सांप्रदायिका वेद मूलम धर्मम तिरस्यक्रो दूसरे विद्वानों ने जो सांप्रदायिक थे वेद के मूल धर्म का अपमान किए लोक जीवनम अंध तमिश्रायाम तस्याम मुहुर मुहुर मुहिमानम लोक जीवन के अंधे अंधकार में बार बार मोहित होते हुए भी क्षण के लिए शर्म नहीं ले रहे थे तस्य विषम स्थितौ उस विषम परिस्थिति में तस्याम विषम स्थितौ उस विषम परिस्थिति में सप्तमी विभक्ति है विषम स्थितौ में तस्याम तत्शब्द स्त्रीलिंग है सप्तमी विभक्ति एक वचन है उस विषम स्थिति में भगवान शंकर ने प्रचंड भास्कर उदियाय प्रचंड सूर्य की भांति उदय होकर के देश व्यापी मोह मालिन्यम उज्झित्वा देश में व्याप्त
अज्ञान रूपी अंधकार को, गंदगी को उखाड़ फेंक करके वैदिक धर्म से पुनः प्रतिष्ठां चकार, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना किए। चकार क्रीधातु, अभी आपने आपको लोगों को मैं लकार बताया, लिट लकार इसमें भी वह लकार है। क्रीधातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शंकर केरल प्रदेश मालवार प्रांत, शंकर केरल प्रदेश में मालवार प्रांत में, शंकर केरल प्रदेश के मालवार प्रांत में पूर्णाख्याया नद्यास्तटे स्थिते, पूर्णा नाम की नदी के तट पर स्थित सलग ग्राम में, सलग गांव में 88 सप्तमी ख्रीष्टाब्दे सात सौ 88 ईस्वी में नम्बूद्र कुले जन्म ले भे, नम्बूद्र कुल में जन्म लिया था। तस् पितुर नाम शिवगुरु राशि, गुरु धन आसीत बराबर गुरु राशि, पितुर धन नाम बराबर पितुर नाम, उनके पिता का नाम शिवगुरु था। मातुस्य सुभद्रा, और माता का नाम सुभद्रा था, सुभद्रा। सैशवादेव शंकर सैशवात धन एव बराबर सैशवादेव, बचपन से ही शंकर सवाद धन एव बराबर इसमें है जस्व संत। शंकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न, लौकिक माने सांसारिक होता है, असांसारिक प्रतिभा से संपन्न थे। अष्टवर्ष देशीय सन्नप, 8 का होते हुए भी परम मेधावी असौ, अतीव तीक्ष्ण बुद्धि के वह असौ। मैंने बताया था आदर्श शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। असौ अमु अमी अमुम अमु अमून अमुना अमुभ्याम अमी भी है। उन्होंने वेद वेदांगेशु वेद और वेद छव शास्त्रों में कुशलता प्राप्त कर ली, प्रावीण्यम अपाप पारंगत हो गए। निपुण हो गए, निपुणता प्राप्त कर ली। दुर्दैवात दुर्भाग्यवश बाल्यकाले तस् पिता श्रीमान शिवगुरु, बचपन में ही उनके पिता श्रीमान शिवगुरु पंचतत्व में विलीन हो गए।
क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा, पांच तत्वों से इसकी रचना हुई है। जब व्यक्ति महापुरुष का निधन हो जाता है तो उसके लिए यह शब्द है कि पंच तत्व में विलीन हो गए। पितृवात्सल्य विरहित पिता के प्रेम से विरक्त शंकर मातृव लालित चासव, माता के ही द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। प्राक्तन संस्कार वसात पूर्व के संस्कार वश जगत मायामलत्वम आकल्य, जगत के माया मोह का आकलन करके तत्व संधानी मनस्यकार तत्व की खोज का मन बनाए, प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात प्रबल वैराग्य के प्रभाव के कारण स प्रव्रजयितुमीयेस, वह गृह त्याग का मन बनाए अर्थात संन्यास ग्रहण करने का मन बनाए। परम स्नेह निर्भरा अतीव प्रेम से भरी हुई तदेक तनयाम्बा, उन इकलौती संतान को अनुज्ञाम न ददव, माँ ने आज्ञा प्रदान नहीं किया। लोक रीति पर शंकर लोक रीति के को मानने वाले शंकर मातुर अनुज्ञाम बिना माताजी की आज्ञा के बिना परव्रजाम अंगीकार तुम न ससा, संन्यास या गृह त्याग नहीं कर सके। एवं गच्छसु दिवसेषु दोनों में गच्छसु में दिवसेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर इसी क्रम में कुछ दिनों के बाद यह भी कह सकते हैं आप, एकदा एक बार शंकर पूर्णायाम सरित स्नातुं गतः, शंकर पूर्णा नदी में स्नान करने के लिए गए। यावत् सरितो अंतः प्रविष्ट, जब वह नदी के अंदर प्रवेश किए तावदेव बलिना ग्राहेण गृहीत, तभी उन्हें बलवान घड़ियाल ने पकड़ लिया, ग्राह ने पकड़ लिया, मकर ने पकड़ लिया,
संकरः आसन्नम मृत्युमवेक्ष आसन्नम सन्निकट। शंकर ने मृत्युम आसन्नम अवेक्ष मृत्यु को आसन निकट देख करके अव उपसर्ग ईक्षधातुल्य प्रत्यय देख करके आर्त स्वरेण चुक्रोश बड़ी करुणा भरी आवाज में चिल्लाए तस्य वसला जननी वसला पुत्र के प्रति अगाध स्नेह रखने वाली जननी माँ ने स्वपुत्रस्य स्वरम परिचिये अपने पुत्र की आवाज को पहचान करके भृशं विललाप बड़े जोर से रुदन किया। तस्या तादृशीं विपन्नावस्थाम अनुभूय अनुभूल्यप अनुपसर्ग भूधातुल्य प्रत्यय उनकी विपन्न बेहाल अवस्था को देख करके उनकी बेहाल अवस्था का अनुभव करके सतस्य निवेदयत उन्होंने उनसे निवेदन किया अम्ब माँ यदि ते मम जीविते अनुराग स्यात् यदि तुम्हें मेरे जीवन से मेरे प्राणों का मोह होगा तर ही संन्यासाय मम अनुजानी तब तो मुझे संन्यास के लिए आज्ञा दो तेनैव मे ग्राहात् मोक्तिर्भविष्यति तभी मेरी घड़ियाल से मुक्ति होगी। अनन्य गति है माता न अन्य गति ही अनन्य गति है जिसकी दूसरी कोई गति नहीं होती है न तत्पुरुष समास अनन्य गति वाली माता ने कहा तथेत्युवाच वैसा ही हो। सद्य तद ग्राह ग्राहात शीघ्र ही उस घड़ियाल की पकड़ से मुक्त हुए स संन्यासम आलम्ब्य उन्होंने संन्यास का आश्रय लेकर के पुत्र विरह संतप्ताम पुत्र के वियोग में तप्त होने वाली मातरम माने माँ को शांतयित्वा शांत करके तथा और उसी क्रम में बांधवे से अनुज्ञातः भाइयों से आज्ञा लेकर के यति भेष धरा सन्यासी का वेश धारण करके स्वजन्मभूमि त्यक्त्वा अपनी जन्मभूमि का त्याग करके देशान अटितुम देश का भ्रमण करने के लिए प्रवृत्त है। चल दिए कह लीजिए कि देश के भ्रमण में लग गए वन वीथिकास परिभ्रमण वन की गलियों में भ्रमण करते हुए परिभ्रमण सत्र प्रत्यय परि उपसर्ग है स कदाचित सॉरी
क्वचित गृहांत वर्तिनम, वह कभी गृहांत वर्तिनम गौड़पाद शिष्यम गोविंद पादांतिकम जगाम। गृहांत वर्तिनम गृह के अंदर रहने वाले गौड़पाद शिष्यम गौड़पाद जी के शिष्य गोविंद पाद जी के पास गए। यति वेशधारिणम तम गोविंद पाद प्रप्रक्ष, सन्यासी का वेश धारण करने वाले उनसे गोविंद पाद जी ने पूछा, कोसि त्वं भोः भोः, हे तुम कौन हो। शंकरः प्राह, शंकर बोले, इसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे।